This is why he's so freaked out when people are moving thousands to Gaza, to Wadi Gaza. We encourage the population to do so because we put more effort in Gaza City, because Hamas control system is mostly in Gaza City. That is the main reason. We carried out our attacks because we were massacred on Saturday. We did not do an initial attack on Gaza. We had a massacre in Israel, an historical massacre which the world haven't seen. It's a Hamas-ISIS massacre in a huge scale. We didn't start. We have to fight. We have to fight. This is the reason we're fighting. We're trying to minimize the casualty of the population. We're encouraging to go south into Wadi Gaza when we can provide as much a secure area for the population. We keep on encouraging them to do so. Just a brief follow-up. You've already encouraged people to move south, and unfortunately it's proved that that hasn't been safe either. The bombing has continued in places like Khan Yunis and towards Rafah, where people have been encouraged to go. And just finally, how does this alter your plans for a grand operation? It has to be a consideration, no? We are now going to share in these following hours an area of a safe zone for the Gazan that went southern to Wadi Gaza. And we are trying to create the conditions and the corridors. Yes, we do attack in different areas, but when we attack by intelligence. We try to minimize the population in those areas before we attack. That's the logic. And about the next stages of the war, I will not talk about here, of the next stages of the war. BBC, Jeremy Bowen. Thank you very much, Jeremy. हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं. उमा, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जो है बता रहे थे कि ये एनालाइज करके और कम से कम जो है वो नुकसान यहाँ पर हो गाज़ा के लोगों को, इस हिसाब से हमला करते हैं. लेकिन जो भी हो, जो ये हमला हुआ है, इससे एक बात को बड़ा धक्का लगा है कि ये जो लड़ाई रोकने की कोशिशें हो रही थी वो अब क्या इस तरह से हो पाएंगी? क्या इसने और इस लड़ाई को आगे खींच दिया है, जिस तरह से जो बाइडेन की यहाँ पर दौरा भी होना है लेकिन वो भी अब खटास में यहाँ पड़ गया है? जी देखिए, जो बाइडेन इसराइल पहुंच रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद, और अमेरिका ये साफ दिखाने की कोशिश में है कि जो कुछ भी हो वो इसराइल के साथ खड़ा है. जहां तक इस अस्पताल पे जो हमला हुआ है उसके मद्देनज़र बात है, तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो एक टेंशन बिल्डअप हुआ था और जिसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा आघात है. ये जो बाइडेन के इसराइल दौरे का मकसद क्या है, मकसद ये है कि वो इसराइल को इस बात के लिए तैयार करें कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाने दें, और इसको लेकर एक तरह की सहमति जो है बन गई है, तभी वो इसराइल पहुंच रहे हैं. और दूसरी बात ये कि जो आम लोगों का जो नुकसान है वो कम से कम हो, आम शहरियों का नुकसान कम से कम हो, और ये घोषित तौर पर अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है. और ऐसे में जब इतना बड़ा एक हमला होता है जिसमें दावे के मुताबिक 500 के आसपास लोगों की जो जान है वो चली गई है, तो ये जो है उस मोमेंटम को तोड़ रहा है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अमेरिका हासिल करना चाहता था. देखिए, एक तरफ इसराइल जो है उसने पूरे गाजा पट्टी के इलाके में और उत्तरी इलाके में भी, लेबनान से लगने वाली सीमा पर भी, क्योंकि हिजबुल्ला उधर से भी अटैक कर रहा है, तो जो एक सैन्य बिल्डअप किया हुआ है, जो एक मोर्चेबंदी कर रखी है और जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा है, उसको थोड़ा सा होल्ड पर इसलिए रखा हुआ था ताकि कूटनीतिक तरीके से ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस इलाके के बाकी जो देश हैं वो इसमें शामिल ना हों. कौन सा देश शामिल हो सकता है? सबसे पहले तो ईरान, जिसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है डमास्कस में, जो उनकी एम्बेसी है, और ये कहा गया है कि जो वक्त जो है वो बीत गया है, टाइम इज ओवर, ऐसा ट्वीट किया गया है. और ईरान पहले से भी कह रहा है कि वो अपनी तरफ से एक प्रीएम्प्टिव जो एक एक्शन है वो लेगा. तो ईरान को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? जॉर्डन जैसे देश के जरिए, मिस्र देश जैसे देश के जरिए जो है वो एक दबाव बनाया जा सकता था. और जो बाइडेन आ रहे थे वो सिर्फ इसराइल नहीं आ रहे, बल्कि उनका जाना था जॉर्डन भी जाना था, और वहाँ पे किंग अब्दुल्ला से मुलाकात होनी थी, अल सीसी से मुलाकात होनी थी, और जो महमूद अब्बास हैं जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात होनी थी. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से जो उनकी बात हुई थी
फ़ोन पे, उस पर उन्होंने कहा था कि हमास जो है वो फिलिस्तीनी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बात समझाने की कोशिश की थी और उनसे अनुरोध किया था कि जो हमास का जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी हमला है, उसकी मजम्मत करता हुआ, उसकी निंदा करता हुआ वो भी एक बयान दें। ये एक अनुरोध थी जो महमूद अब्बास से की थी जो बाइडन ने, हालांकि ये नहीं हुआ, होना भी नहीं था। लेकिन अब जब ये तीन देश के जो लोग हैं वो मिलकर बैठते तो एक रास्ता निकालने की कोशिश होती कि ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो गाजा पहुंच सके और इस बात के लिए इसराइल को तैयार किया जा सके और साथ में युद्ध को कंटेन किया जा सके, क्योंकि लगातार और बार बार अमेरिका और इसराइल ये जताने की कोशिश में है और कि ये जो है हमास के आतंकी हमले के बरखिलाफ एक छेड़ा हुआ युद्ध है, इसमें कोई तीसरी शक्ति शामिल न हो, नहीं तो अंजाम बेहद खराब होंगे। और यही वजह है कि एक तरफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ब्लिंकन कई छह देशों का दौरा करके आए, उन्होंने ग्राउंड जो एक एक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की और उसके बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो आ रहे हैं और दूसरी तरफ सैन्य तैयारी के तहत अमेरिका जो है उसने अपने दो बेड़े भी भूमध्य सागर में भेज रखे हैं, फाइटर जेट्स भी भेज रखे हैं, ये एक रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कि अगर अमेरिका की बात न मानी गई और जो हमास के आतंकी हमले के बरखिलाफ जो बदला लेने का इजराइल का हक है वो उसे नहीं करने दिया गया या उसमें किसी तरह का की रुकावट या किसी तरह की दखल की बात की गई तो अमेरिका भी अपनी सैन्य शक्ति के साथ तैयार है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और एक जमीनी जो सैन्य मोर्चा है, दोनों ही तरफ से ये लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही थी। जो सैन्य फ्रंट है वो ज्यादा अब एक्टिव हो गया है और जो कूटनीतिक फ्रंट है कहीं वो बैक बर्नर पे चला गया है और ये जो इस अस्पताल पे हमले का जो ये जो के बाद जो स्थिति बनी है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, जो पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेट स्थिति थी वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है और कोई हेडवे अब मिलता नजर नहीं आ रहा है। आखिरी बात की बंधक को लेकर भी जो हमास ने जो करीब 199 लोगों को बंधक बनाकर रखा है उसको छुड़ाने की बात थी और कल एक हमास की तरफ से एक जानकारी भी आई थी कि अगर 6000 उनके जो जेलों में बंद हैं, इसराइल के अलग अलग जेलों में बंद है फिलिस्तीन, उनको छोड़ दे तो वो बंधक छोड़ने को तैयार हैं। तो एक लग रहा था कि बातचीत जो है एक दिशा में जा रही है जहां पे कुछ ना कुछ सिचुएशन में तनाव में जो कमी है वो आएगी, डीएस्केलेट होगा, लेकिन अब जो लगता है कि ये सब जो कोशिशें हैं वो एक तरफ हो गई हैं और अब जो दबाव है वो इसराइल पर है और वो बार बार ये कह रहा है कि उसने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये हमला जिहादी जो इस्लामिक जिहादी संगठन है उसने ही किया है या फिर इसराइल की तरफ से हुआ है, तब तक जो है ये एक उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। और चारों तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो आ रहे हैं बहरीन में जो प्रदर्शन है यूएस एम्बेसी के खिलाफ और ऐसे मिडिल ईस्ट के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हमले के प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं उमा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें यहाँ पर बढ़ रही हैं, पहले लेबनान और ईरान से ही खतरा था कि वो इस युद्ध को जो है वो बढ़ा सकते हैं, उनकी शामिल होने से चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन की मुलाकात जॉर्डन में होनी थी वो कैंसिल होती है, जॉर्डन इजिप्ट उनका रुख इस तरफ रहा है कि इसको हल किया जाए, ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भूमिका को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो क्या स्टैंड लेते हैं जब वो यहाँ पर इसराइल का दौरा यहाँ पर अब उनका होगा। जी देखिए, हमास ने सीधे तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि ये सिर्फ इसराइल नहीं दोषी है बल्कि अमेरिका भी दोषी है जो रात में जो हमला हुआ है अस्पताल पर उसके बाद। दूसरी बात ये है कि जो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हुई थी और उसमें जो एक रुकावट आई है ये एक बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर उसने ऐलानिया तौर पर कह दिया है और वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जो एक कंटेन करने की जो कोशिश थी वो कोशिश जो है वो अब मध्यम पड़ गई है और उसको लेकर फिर से जो एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। एक मौका मिल गया है जो इसराइल के विरोध में जो देश खड़े हैं उनको ये कहने का कि देखिए वॉर क्राइम जो है वो किया जा रहा है और ईरान की तरफ से सबसे जो अब तक का स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है वो आया है कि अगर ये जो ये हमला हुआ है इसके बाद जो है वो लोगों की तरफ से जवाब जो है वो दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो एक जो जनमत जो है वो बरखिलाफ होता जा रहा है और ईरान ने ये भी कहा है कि एक बार अगर यहाँ के जो लोग हैं यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग हैं वो खड़े हो गए तो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो कठोर बातें हैं वो अब होने लगी है और जो शांति या एक हेडवे बनाने की जो बात थी मौजूदा स्थिति में वो कहीं पीछे छूट गई है।